माएँ अगर चाह लें तो बच्चे अपने आप संस्कारी हो जाएंगे। देखो संस्कारी बच्चे खुद भी सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुखी करते हैं, और जिनमें कोई संस्कार नहीं न खुद चैन से बैठते हैं न दूसरों को चैन से बैठने देते हैं, यही अंतर है। न खुद चैन से बैठेंगे न दूसरों को बैठने देंगे। आप प्रत्येक माँ से मेरा निवेदन है, आपकी कोख से ऐसी संतान हो कि दूसरों को तकलीफ ना दे, किसी को कष्ट ना दे। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा अगर हम किसी को कष्ट दे रहे हैं तो ये ना समझे हम मास्टर माइंड हैं, हम क्लेवर हैं, हम बड़े समझदार हैं। ये एक एक पाई भोगनी पड़ेगी आपको, एक एक सेकंड का हिसाब आपको देना पड़ेगा। जब तुम किसी को आंसू देते हो तो वक्त आने पर तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ते हैं। वो बैठा है ना, उस परमात्मा की चाकी चलती बहुत धीरे धीरे है पर पीसती बहुत बारीक है, बहुत बारीक पीसती है। तो आपकी कोख से ऐसी संतान हो जो समाज को, देश को, धर्म को सुख दे, उनकी सेवा करे। अभी वो आईवी के बच्चे की माँ, अंकित शर्मा की माँ, या हमारे मिलिट्री के जवान जो शहीद होते हैं सेना पर, बॉर्डर पे जाके जब शहीद होते हैं, मैंने किसी माँ को यह कहते हुए नहीं सुना कि मैंने उसको सेना में भर्ती क्यों किया। प्रत्येक माँ ये कहती है कि मेरे एक और बेटा हो मैं उसे भी सेना में भर्ती कर दूं जो मेरे भारत माता के काम आए। देश और धर्म से बड़ा कोई नहीं है, देश और धर्म से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए आपकी कोख से ऐसे तेजस्वी संतान उत्पन्न होनी चाहिए जो देश और धर्म के काम आ सके, ऐसी तेजस्वी संतान हो। वो माएं आप कर सकती हो, ये भारत की माओं को ये अधिकार है। भारत की माओं की कोख धन्य है जिन भारतीय माओं की कोखों में वो ब्रह्म आकर खेलता है, वो जगतपति आकर खेलता है, अकेले ब्रह्मांड नायक कोख में आता है। पूरे विश्व की माएं ये नहीं कह पाएंगी कि हमने अपने ब्रह्म को गोद में रखा है, लेकिन भारतीय माँ कह सकती हैं मैंने अपने, मेरे यहां की माओ ने अपने ब्रह्म को, अपने ब्रह्म को कोख में रखा है। मानोगे कि नहीं? तो हम लोग कितने किस्मत वाले। हमें चाहिए कि हमारे संतान संस्कारी हो।